प्रातः काल जो सूर्य देव को जल अर्पण कर करे प्रणाम, उनकी हर विपदा को हरते जग में उनका करते नाम, जग में उनका करते नाम, सुबह सुबह कर सूर्य प्रणाम। भास्कर रवि यानी सूरज को सभी तरह से शुभ माना जाता है। सूरज की आती किरणों से अगर कोई कुछ मांगे तो उसकी यह इच्छा जरूर पूरी होती है। रविवार के दिन जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन का स्वामी ग्रह सूर्य है। इस दिन अगर पूर्व दिशा से किसी यात्रा की शुरुआत करे तो जातक को जरूर सफलता मिलेगी। यदि कोई प्रेमी प्यार में सफल होना चाहता है तो वह सूर्य से प्रार्थना करे। क्या करे? इस दिन ताबे या अन्य सिक्के को बहते पानी में बहाए, चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाए, गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध कर दान करे। सूर्य को उच्च करने के लिए बहते जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करे। दोष निवारण के लिए सूर्य विष्णु का रूप है इसलिए सूर्य पूजा करे। सुबह सूर्य को अर्घ देना उत्तम होता है। सुख शांति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ भी करे। ताबे के दो बराबर के टुकड़े ले, इनमें एक को मन में कोई भी संकल्प लेकर बहते पानी में बहा दे, आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। दूसरा टुकड़ा हमेशा अपनी जेब या पर्स में साथ रखें। हृदय रोग, पेट के रोग, आंखों की तकलीफ, झूठे आरोप या धन हानि हो तो ताबा या गेहूं का दान करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले गुड़ या मिठाई खाएं और पानी पिए। सूर्य मानव शरीर में आत्मा का कारक माना जाता है। इस पृथ्वी लोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य देवता के पिता का नाम महर्षि कश्यप व माता का नाम अदिति था। मान्यताओं की माने तो यदि सूर्य देव के कुछ उपाय किए जाएं तो लाभ प्राप्ति होती है। प्रत्येक रविवार सूर्य का व्रत करने से व्रत करने वालों को नौकरी में उच्च पद और प्रतिष्ठा हासिल होती है। इसके अलावा रविवार को व्रत करने से नेत्र व चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। रविवार रात को सोते समय एक गिलास दूध भर कर अपने सिरहाने रखें। फिर सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दे। 7 या 11 रविवार यह उपाय करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। रविवार के दिन ताबे के बर्तन या घी का दान करना चाहिए। रविवार के दिन आदित्य हृदय सूत का पाठ करना अच्छा होता है। इसके साथ ही नेत्रोपनिषद पाठ का करने से आंखों की रोशनी ठीक रहती है। किसी भी सूर्य मंत्र का 21 बार जाप करें। रविवार के दिन लाल वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा दान करें। इसके अलावा माणिक के गुड़, कमल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, ताबा, स्वर्ण सभी वस्तुएं एवं दक्षिणा रविवार के दिन दान करें। मंत्र है ओम ग्रीडी सूर्याय नमः का जाप करें। सूर्य देव के इस मंत्र से सभी परेशानियां दूर होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों के दोष होते हैं वे दुर्भाग्य का सामना करते हैं। दुर्भाग्य यानी भाग्य का साथ न मिलना। किसी भी काम में कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलना ही दुर्भाग्य है। ज्योतिष की माने तो ग्रहों की अशुभ स्थिति की वजह से समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पाती है। अगर शास्त्रों में बताए गए शुभ काम रोज किए जाए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य से छुटकारा मिल जाता है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों के दोष होते हैं वे दुर्भाग्य का सामना करते हैं। दुर्भाग्य यानी भाग्य का साथ न मिलना। अगर शास्त्रों में बताए गए शुभ काम रोज किए जाए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। सूर्य देवता है ग्रहों के राजा। ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए हैं। ये 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सूर्य ग्रहों के राजा है और रविवार का कारक है, इसीलिए यहाँ बताए जा रहे उपाय रविवार से शुरू करेंगे तो कुंडली के दोषों का असर कम हो सकता है। इन उपायों से कार्यों में आ रही बाधाएं भी कम हो सकती हैं। बताते हैं कौन कौन से हैं वो पवित्र काम। पहला उपाय, रोज स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। इस काम से
पृथ्वी कृपा करती है। दूसरा उपाय, तुलसी को जल चढ़ाएं और 11 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय से विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। तीसरा उपाय, किसी गरीब को काले कंबल का दान करें, इससे राहु केतु के बुरे असर दूर होते हैं। चौथा उपाय, शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और काले तिल का दान करें। इस उपाय से शिव जी के साथ ही सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। पांचवा उपाय, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस उपाय से बड़ी बड़ी परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें और प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें।